यहाँ का लोग आदमी ऐसे, चेन्नई में आदमी बाय से चलता है, यहाँ देखे हो किसी को बाय से चलते, लाल लाइट में हॉर्न बजाते देखे हो चेन्नई में किसी को, यहाँ ट्रैफिक में खड़ा होकर पै 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 हॉर्न बजाएगा, देखे नहीं हो क्या तुम लोग बेली रोड पे लाल लाइट भी है पै पै भी करेगा, यहाँ का आदमी आदमी है भैया, डिप्टी कलेक्टर का ये हाल है। अब मैं अरे जरा दो चार लोग लिख के दो दो कागज पे, डिप्टी कलेक्टर इनकी ऐसी तरीका। बिहार के ये आईएएस जो हैं वो आखिर गाली देते क्यों हैं? जी हाँ, कहा जाता है इनको बिहार के गालीबाज आईएएस। जी हाँ, सबसे पहले वो वीडियो वायरल हुई थी आज के जो अवर शिक्षा सचिव हैं के पाठक, उन्होंने उस समय एक डिप्टी कलेक्टर यानी कि बिहार पीसीएस प्रोविंशियल सिविल सर्विस का जो अधिकारी था, डिप्टी कलेक्टर था, उसको उन्होंने गाली दी थी। पहले जरा के पाठक को उस गाली को सुनवा दें। यहाँ का लोग आदमी है, चेन्नई में आदमी बाय से चलता है, यहाँ देखे हो किसी को बाय से चलते, लाल लाइट में हॉर्न बजाते देखे हो चेन्नई में किसी को, यहाँ ट्रैफिक में खड़ा होकर पै 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 हॉर्न बजाएगा, देखे नहीं हो क्या तुम लोग बेली रोड पे लाल लाइट भी है पै पै भी करेगा, यहाँ का आदमी आदमी है भैया, डिप्टी कलेक्टर का ये हाल है। अब मैं अरे जरा दो चार लोग लिख के दो दो कागज पे, इनकी ऐसी तरीका। आपने सुना के पाठक ने किस तरीके से गाली दी थी। लेकिन बिहार में एक और चर्चित आईएएस महिला हैं, लेकिन गाली देने से बाज नहीं आती, अपशब्द कहने से बाज नहीं आती, बेइज्जती करने से, अपने अधीनस्थ जो कर्मचारी हैं उनको बेइज्जत करने से भी बाज नहीं आती, और वो हैं हरजोत कौर बमहरा। अपर मुख्य सचिव हैं कला संस्कृति एवं युवा विभाग की। और आपको याद होगा पिछले दिनों वो जिस समय कोरोना काल के बाद स्कूल खुले थे, उस समय एक स्कूल के निरीक्षण में कार्यक्रम में गई थी, वहाँ किसी बच्ची ने कहा था कि मैडम हमें जूते भी दिलवा दीजिए, तो उन्होंने कहा था कि जूते ही क्यों, थोड़ा सा और बड़ी हो जाओगी तो कॉन्डोम तक मांगोगी। ये वही हरजोत कौर हैं। और अभी कुछ दिन पहले यही हरजोत कौर ने अपने कर्मचारी को गाली से बात की। हमेशा अपने कर्मचारियों का वेतन रोक देना जबरदस्ती, क्या तो तुम 60 साल के हो गए हो, भले वो अभी 58 साल का ही हो, उसको रिटायरमेंट कर देना कि इनका मेडिकल कराओ, ये 60 साल के हो गए हैं, और उनके अधीनस्थ जो कर्मचारी हैं वो परेशान हो चुके हैं। आखिर किसके बल पे करती हैं हरजोत कौर बमहरा इन कामों को? पीछे से तो निश्चित तौर पर किसी का सपोर्ट इनको है ही है। और देख लीजिए, किसी इनका बिगड़ता भी कुछ नहीं है, कितना भी कंप्लेन हो जाए इनका कुछ नहीं बिगड़ता, बस उस मंत्रालय से उस मंत्रालय में भेज दी जाती हैं। जब उस लड़की के कॉन्डोम का भी मामला आया था तो बस वहां से उठा के दूसरी जगह भेज दी गई। बिगड़ता इनका कुछ नहीं है, और इनका ही नहीं, इन आईएसओ का नहीं बिगड़ता है, क्योंकि इनकी बड़ी एक लॉबी है, और वही जो बिहार प्रोविंशियल सिविल सर्विस के जो अधिकारी हैं उनकी लॉबी में शायद इतना ताकत नहीं है, कैसे गाली देके निकल जाएंगी, कैसे उनके अधीनस्थ जो कर्मचारी हैं वो इनकी बातों को इतना सहन करेंगे, कैसे प्रताड़ित कर सकती हैं? जबकि बिहार के जो चीफ सेक्रेटरी हैं अमीर सुभानी, वही इस बात का आदेश दे चुके हैं कि अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से आप ऊंचे आवाज में बात भी नहीं कर सकते। हुआ ये कि बिहार राज्य संग्रहालय कर्मचारी संघ जो है उसके जो मंत्री हैं, महामंत्री हैं भारत भूषण झा, उन्होंने एक पत्र लिखा है मुख्य सचिव को और कहा कि जब भी आती हैं गाली गलौज से बात करती हैं अधिकारियों से, और तमाम तरीके के पत्र में उन्होंने दोषारोप लगाया है। हम वो पत्र आपको दिखा रहे हैं, जरा वो पत्र को आप देख लीजिए। तो ये पत्र है, देख लीजिए कितनी सच्चाई से ये पत्र लिखा गया है। और हमने जब भरत भूषण झा से बात किया, वो अभी अपने गांव पे हैं, जब हमने ऑडियो पे उनसे बात किया, मोबाइल से बात किया, तो उन्होंने क्या कुछ कहा है आप सुन के दंग रह जाएंगे। सुनवाते हैं भारत भूषण झा को आपको। हेलो, माननीय भारत भूषण झा जी बोल रहे हैं? जी बोल रहे हैं। नमस्कार झा सर, मनोज चतुर्वेदी मैं बोल रहा हूँ अब तक न्यूज पटना से सर।
अच्छा जी बोलो जी। सर, आपका एक वो लेटर मिला है, मीडिया में आया है, हरजोत कौर के बारे में। ठीक है, हरजोत कौर ब्रह्मरा, अपर मुख्य सचिव कला संस्कृति एवं विभाग के द्वारा, क्या मामला है सर ये? तो मैंने मुख्य सचिव से मिला था जी और मैडम जो है सो बहुत ही कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार करती थी। मैंने 24 कर्मचारियों का, 2 इंजीनियर और 22 कर्मचारियों का वेतन रोक दिया अच्छा विभाग में। अच्छा म्यूजियम जब आई, हमारे जो सहायक सहायक संग्रहालय अध्यक्ष हैं, हाँ अभी जस्ट हार्ट का ऑपरेशन करा के आए हैं, हाँ इतना उनको बिगड़ी कि उनको पुनः हार्ट अटैक मलका हुआ। अच्छा ये भी नहीं जानी कि ये बीमार है। हाँ उसे पदाधिकारियों की बात है तो पदाधिकारी कर्मचारी को भी उसी ढंग से ट्रीट कर रहे हैं। एक थोड़ा कर्मचारी उनके अगल बगल से दो बार गया, कहा ये कौन है, बोला कर्मचारी नहीं है। तुरंत बोलती है कि इनको अति कराइए, आप मेडिकल टेस्ट कराइए, 60 से ज्यादा हो गया है। अभी वो सुप्रीम कोर्ट से लड़के, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वो सबका नियुक्ति हुआ है, हाँ हाँ सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक। वो लोग पहले था आपको एडल्ट एजुकेशन में, वो सब मास्टर टीचर था तो उसी का जो है सो के आलोक में जो है सो सबको नौकरी है। अब उसको बोल रहे हैं कि इसका तुरंत मेडिकल कराओ, 60 वर्ष से ज्यादा इसको नौकरी से था। अब जिस ढंग से बिहेव करती थी, जैसे बुझाता था कि भाई ठीक है, सरकार का ही चिट्ठी है कि कोई भी बड़े पदाधिकारी अपने अधीनस्थ कर्मचारी और पदाधिकारी के साथ सम्मान पूर्वक बात करें। ठीक है, हम ये नहीं कहते हैं जो गलती करता है उसको सजा नहीं होनी चाहिए, एकदम होनी चाहिए। जो कर्मचारी काम नहीं करता है हाँ, उसको आप सजा कीजिए। मतलब आपने आपने झाजी उसमें ये किया कि मतलब गाली गलौज पर तक उतर जाती हैं। हाँ ये एकदम गाली गलौज करते हैं। गाली गलौज तक पर उतर जाती हैं। हाँ अच्छा, तो अच्छा, उनके उन, उन उनके अंदर में एक सेक्रेटरी थे दीपक कुमार, वो भी शायद उनके डर से ही ट्रांसफर लेके चले गए। ये मैं नहीं बता सकता हूँ, ये तो सरकार की मामला है। अब क्यों गए नहीं गए ये हम कैसे बता सकते हैं। अच्छा और सरकार ने उनको ट्रांसफर किया है, इसमें मैडम का कहाँ कोई जो अच्छा तो ये मैडम जो हरजीत कौर हैं, ये मतलब क्यों ऐसा, क्या आपे से बाहर रहती है हमेशा, या फिर ये आईएसओ? उनका नेचर है। इससे पहले भी हम लोगों ने सुना है, हाँ जो किसी स्कूल में गई थी वो इंस्पेक्टर ने कोई लड़की कह दिया कि मैडम हम लोग को जो है हाँ तो हाँ तो वो तो बाथरूम वो नहीं है, हाँ। बाथरूम नहीं है, बाथरूम तुरंत वहाँ उस लड़की को कह दिए। काफी पेपर में भी बात आई थी कि जी बाथरूम नहीं है तो क्या कल कहोगे नैपकिन नहीं है, परसों बोले कंडोम नहीं है, सब हाँ कुछ हम लोग पूरा करते रहे। मान लीजिए कोई भी विद्यार्थी यदि कहता है कि भाई लड़की है उसको यदि वाथरूम जाना है तो वाथरूम का तो मांग करेगा पर पदाधिकारी से। जब प्रिंसिपल नहीं सुना तो बड़े पदाधिकारियों ने उसका जो है सो अति किया। बिल्कुल बिल्कुल तो मैडम का चूंकि, और चूंकि हम बहुत दिन पहले दरभंगा में वो कमिश्नर थी उस समय भी उनका हम सुने हुए हैं। हाँ उस समय हम जॉब में आ गए थे जो दरभंगा कमिश्नर में भी वैसे ही एक माली था जिसका वो कपाड़ फाड़ दी थी, खुरपी से काट दी थी। ये शुरू से ही उनका नेचर रहा है। मैंने माली का कपार फाड़ दी थी खुरपी से। हाँ दरभंगा में जो कमिश्नर थी उस समय की बात मैं कर रहा हूँ, ये अच्छा आपको हम 90-92 की बात अच्छा 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 मैं दरभंगा जिस समय कमिश्नर थी उस समय की बात मैं कर रहा हूँ। मैं जॉब में शायद चल गया था या जाने ही ग्रेजुएशन में था, मैंने सुना था काफी ये बात हुई थी अच्छा। मालिक को जो है सो पदाधिकारी। तो फिर नहीं, फिर ये इतनी इनकी खबरें आती हैं, इसका इनका इस तरीके का व्यवहार है, फिर भी सरकार इन पे क्यों एक्शन नहीं लेती है, क्या आपने नहीं इससे? हाँ एक्शन 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 लिए हैं हमारे। तुरंत प्रधान सचिव से मैंने जो मिला, प्रधान सचिव ने तुरंत उसी पत्र पर, चूंकि हम लोग बात कर अपना बात रखने के बाद हम फोन से बात जाने लगे तो अब किन से बात कर रहे हैं तो रहना हम लोग उचित नहीं था, लेकिन तुरंत एक लेटर आई वहां से विभाग में और इनसे जवाब किया गया। और 19 तारीख को संजोग सिंह का बुलाहट था, हमारे प्रधान सचिव महोदय बीमार पड़ गए, वो दिल्ली चले गए, उसका आगे प्रोसेस है अति हुआ है प्रोसेस हम नहीं बता सकते हैं इसमें। तो क्या आपको पता, आपको आप लोगों को लग रहा है कि आपके प्रधान सचिव माने मिस्टर सुबवानी जो है इस बार कड़ा एक्शन लेंगे इन पे, हरजोत कौर पे? हाँ क्योंकि देखिए उन्हीं का आदेश है, जब सामान्य प्रशासन में वो थे हाँ प्रधान सचिव, हाँ उन्होंने ही आदेश निकाला था और अभी 2 महीना पहले भी एक आदेश निकली है कि अच्छा कोई भी उच्च पदाधिकारी अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ सम्मान पूर्वक बात करें।
मैं ये नहीं कहता हूँ सम्मान पूर्वक बात करने का मतलब आप उसको अति कीजिए, गलती करता है तो उसको सजा नहीं दीजिए, एकदम दीजिए सजा। तो देखिए सरकार चूंकि किसी कर्मचारी को वेतन दे रहा है तो उसे काम लेने के लिए, बिल्कुल यदि आपको विभाग में फाइल नहीं कोई किरानी बढ़ाता है तो उस पर आप एक्शन लीजिए। लेकिन कहिए ना 22 कर्मचारी ऐसा है जो काम नहीं किया, एक लड़की थी जिस महिला थी जिससे 4 महीना से वेतन नहीं मिला हुआ रुका हुआ। नित्यकला मंदिर का भी कुछ मामला है आप लोगों का, ये कर्मचारियों का वेतन रोकी है, नित्यकला मंदिर में एक बड़ा उठा उसको सस्पेंड कर दी, सीधे सस्पेंडेड डिस्चार्ज से बातें करती थी, मतलब सस्पेंड और डिस्चार्ज से नीचे बात नहीं करती है, यही ना बात नहीं करती। अच्छा ठीक है, झा सर आपकी बातों को हम कोशिश करेंगे सरकार तक पहुंचाने के लिए, ठीक है ना, और आपने बात किया तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना भारत भूषण झा को, कहा कि साहब परेशान है हम लोग, और हमारे चीफ सेक्रेटरी ने उनको एक तरह से चेतावनी दे दी है, उनको बुलाया गया था 19 तारीख को कि आखिर वो ऐसा करती क्यों है, लेकिन दुर्भाग्यवश चीफ सेक्रेटरी अमीर सुभानी जो है उनकी तबीयत खराब है, दिल्ली में भर्ती है। लेकिन भरत भूषण झा को यह निश्चित तौर पर आशा ही नहीं विश्वास भी है कि जिस दिन लौटेंगे अमीर सुभानी चीफ सेक्रेटरी बिहार, उस दिन तो जो है हरजोत कौर बमहरा की खैर नहीं रहेगी। अधिकारी भी जो हैं संग्रहालय के वो भिड़ चुके हैं इस पर। अब देखना यह है कि हरजोत कौर की जो मनमानी और गालीबाजी है इस पर कितनी लगाम लगती है, इस पर भी नजर रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ।